उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल दोस्तों, बिगुल बज चुका है, हो चुका है युग का आगाज। करो रण की तैयारी दोस्तों, क्योंकि आ चुका है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2021 और 22 का एकदम नया पाठ्यक्रम, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी को और बूस्ट अप करने वाला है। मैं संदीप तंवर और मेरे साथ विज्ञान विषय के व्याख्याता यहां पर शुभम राका सर। तो बच्चों, सर आपको पता है ये सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है, वो आरबीएसई के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पर आधारित है। और पिछले साल तक जो पाठ्यक्रम चल रहा था वो राजस्थान बोर्ड का अलग चल रहा था, तो इस साल जो सिलेबस आया है ना सर, वो सिलेबस पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। और पूरा का पूरा जो अंक भार है, कौन से पार्ट का कितना अंक भार रहेगा, कौन सा पार्ट आप लोगों के लिए, कौन सा चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसे किस तरीके से पढ़ना है, इस पूरी स्ट्रेटेजी को, इस पूरी रणनीति को मैं और सर आप लोगों के साथ में साझा करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे साल आप लोगों को तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, युद्ध का आगाज हो चुका है। युद्ध में जंग को फतह करने के लिए, जंग जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है उसकी रणनीति बनाना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना, जो कि आज आप जानने वाले हैं। नया पैटर्न, सब कुछ बदल गया है, अब आपके लिए बिल्कुल नया होगा। कैसे जंग लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, और यह जंग जो है वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के साथ होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की परिचर्चा, और इस चर्चा के अंदर सर और मैं दोनों मिलकर बताने वाले हैं कि कैसे और किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का है, क्या क्या चीजें रहेगी, वो सारा आप आज जानने वाले हैं सर। सबसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला यूनिट सर हमारे पास में आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारे पास में है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सर और मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का सैटरडे की जो मैराथन क्लासेस है उसमें हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर का वेटेज सर आप देख सकते हैं, 5 मार्क्स का वेटेज रखता है सर ये चैप्टर, बिल्कुल 5 मार्क्स का। बिल्कुल, ये 5 का पंजा है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। ये केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर आप अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये 5 अंक जो है बहुत ही है हमारे लिए बूस्ट अप करने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार आपका दूसरा अध्याय, ये भी केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का अध्याय, एसिड बेस और सॉल्ट, जिसको कहते हैं अम्ल क्षार और लवण, और पूरे 6 अंक दिलाने वाला है ये अध्याय दोस्तों। 6 अंक सर, 6 अंक अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर 6 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ना सर, 100-100 नंबर का भी पेपर होता है, तो 600 नंबर के हिसाब से परसेंटेज निकलते हैं, और उस परसेंटेज में 6 नंबर पूरा का पूरा सर 1% बनाता है, पूरा का पूरा 1% बनाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, 1%, ये 1%, अगर आप 1% से फेल भी हो सकते हैं और 1% से मेरिट में भी आ सकते हैं, बस आपके हौसलों में जान होनी चाहिए। 1% से हमें हासिल करनी हमारी मेरिट, तो ये 1% का ध्यान रखने वाला जो ये अध्याय है आपका, वो है एसिड बेस और सॉल्ट, जिसको आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार आपका तीसरा अध्याय मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, जिसमें आप धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में, ये सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इसका जो अंक भार, जो मार्क्स लेवल है इसका, वो कितना है, पूरे 4 अंकों का। सर आपका क्या कहना है धातु और अधातु पर? सर ये केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर और इजीएस्ट चैप्टर मुझे लगता है। बच्चा अगर मेहनत करे ना सर, तो ये 4 नंबर तो वो मतलब किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो छोड़ेगा नहीं सर। तो ये 4 नंबर बच्चों बिल्कुल भी ध्यान रखना, इस साल पूरी मेहनत करके ये 4 नंबर तो सबसे पहले सिक्योर करने हैं अपन को, ठीक है। अब देखिए सर, चौथा चैप्टर हमारे पास में केमिस्ट्री में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सी से केमिस्ट्री होता है और सी से कार्बन, याद रखना केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही सर कार्बन का होता है,
और इसका वेटेज आप देखिए अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है और वेटेज भी 6 नंबर, मतलब वापस 1% और आ गया सर, ये 1% और तैयार हो गया हमारे इसमें। क्या बात है, मैंने सुना है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और यही बूंद बूंद जो है जैसा कि कहा जाता है, पक्षी को पूछा जाता है इतना जोश और जुनून कहां से आया तो वो कहती है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये 1% और ये 1%, ये आपका तिनका तिनका, ये बूंद बूंद जो है वो पूरा आपका ड्रीम 100, सपना 100 का जो है वो साकार करेगी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दोस्तों ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल पर रिलेटेड है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 4 अंकों का। तो साथियों यहां पर केमिस्ट्री की बात करूं तो सर केमिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये 25 अंक क्या रहेंगे, विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे कि ये 25 अंक सर, कैसे हासिल करेंगे? अगर मैं बात करूं सर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा 25 मार्क्स कवर कर रहा है। मतलब बच्चों 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके 25 मार्क्स, मतलब 1/4 आपका केमिस्ट्री कवर कर रहा है। तो अगर अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस के साथ में पढ़ोगे तो ये 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, और बहुत आसान से चैप्टर हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, साल भर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ना बढ़िया नंबर लेके आएंगे बेटा। तो ये हमारा पहला पोर्शन, जो पहली यूनिट हमने बात की बेटा वो किसकी रही, केमिस्ट्री की रही। अब जो सेकंड यूनिट है जो हमारी बायोलॉजी की होने वाली है उसके बारे में आपको संदीप तंवर सर बताएंगे, जो हमारी सेकंड यूनिट बायोलॉजी की है। सर सर पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये बायोलॉजी जो है इसको जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान को एक बार आप डिफाइन कर लीजिए, ये मेरे शेर और शेरनी जो है ये अपन को सुन रहे हैं, तो इनको बता दीजिए कि जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी सर, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं ना, तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनती है सर, बायो प्लस लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है सर स्टडी, हिंदी में इसे बोलते हैं अध्ययन। और बायो की अगर मैं बात करूं सर, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सर जीव यानी सजीव, मतलब विज्ञान की वह शाखा सर, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों के अध्ययन करने की शाखा विज्ञान यानी जीव विज्ञान कहलाती है सर। तो सर जीवों में तो हम भी आते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के अंदर जो अंग अंग तंत्रों पर अगर अध्ययन करेंगे तो क्या इसी विज्ञान के अंदर करेंगे? बिल्कुल सर, इसी के अंदर हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स है ना सर, हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करते हैं, पाचन श्वसन उत्सर्जन जितनी भी क्रियाएं हैं सर, सब की सब इसी में पड़नी है सर। चलो तो बिल्कुल दोस्तों तैयार हो जाओ यहाँ पर, क्योंकि अब हमें जानना है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी सिस्टम को जानना है कि कैसे काम करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, उन सब की क्रियाएं कैसे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, मजेदार, रोचक तथ्यों को जानेंगे आप यहाँ पर, और ये है यहाँ पर बायोलॉजी का पहला अध्याय लाइफ प्रोसेस। जैसा हमने इंट्रोडक्शन दिया उसी अनुसार काम यहाँ पर, जैव प्रक्रम जिसको कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस। वाव, ये तो पूरे 7 अंकों का है। शुभम सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर सर अगर विज्ञान में कोई है ना बायो के अंदर, तो वो लाइफ प्रोसेस। मतलब इस चैप्टर को जिस बच्चे ने सर अच्छे तरीके से कर लिया ना, अच्छे तरीके से, वो कहीं नहीं अटकेगा बायो के अंदर, तो बेसिक है पूरा। तो लाइफ प्रोसेस जब भी पढ़ाते हैं ना, तो लाइफ प्रोसेस को जो अच्छे से पढ़ेगा ना, उसका बायो का बेसिक क्लियर है, वो इन किसी भी चैप्टर में नहीं अटने वाला है। बिल्कुल, तो सर ने कहा सारे चैप्टर जितने भी अध्याय है जीव विज्ञान का, उनका मूल आधार स्तंभ जो बेस जो है वो यहां मिलने वाला है लाइफ प्रोसेस में, और इसका मतलब जहां बेस मिलेगा वहां बहुत काम की जानकारियां मिलने वाली है। तो बहुत ही मजेदार, 7 अंक सबसे ज्यादा वेटेज उसको इसीलिए दिया गया क्योंकि यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर इस पर आपका क्या ख्याल है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर जब भी बात की जाती है ना, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं सर ब्रेन के बारे में। आज जैसे मान लीजिए आप और मैं खड़े, बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, हम आराम से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेड है,
हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे सर? ब्रेन के बारे में। और ब्रेन से सिस्टम कौन सा जुड़ता है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका ऊतक सर। तो इसका मतलब इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सर। और ब्रेन का स्ट्रक्चर कितने मार्क्स का आ गया सर? बिल्कुल पूरे 6 अंकों का है। ये तो सीधा सीधा भाई साहब, ये तो ये कह रहे हैं खोपड़ी में छेद होने वाला है। बिल्कुल 6 अंकों का यह अध्याय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों पूरा 1%, ये तो बिल्कुल आज तो घोंसला बन ही जाएगा, आज तो मंजिल मिल ही जाएगी। अगला अध्याय बहुत ही मजेदार, जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी 1%, मतलब 6 अंकों का। बिल्कुल ये आपका 1% 1%, दोस्तों 100 मार्क का सपना तो पूरा ही करना है। और ये 6 अंकों का सर जीवों में प्रजनन में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर? सर ये रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रजनन की अगर बात करूं, तो ये वही कारण है जिसकी वजह से आज पृथ्वी पर इतने सारे जीव उपलब्ध हैं। आज अगर हम अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिजम्स हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां हम देख पा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है जिसे हमें पढ़ना है, और इसका वेटेज हमारे पास में कौन सा है? 6 मार्क्स का है। 9th और लास्ट चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी का आता है वो आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, आसान चैप्टर माना जाता है और नॉर्मल सा चैप्टर है, लोड लेने की नीड नहीं है। 4 मार्क्स का सिर्फ ये वेटेज रखता है। बिल्कुल, तो सर कह रहे बहुत इजी माना जाता है, मतलब मेरे जैसे विद्यार्थी तो पार कर गए यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल डुबकी मार गए और इसको पार कर गए। अनुवंशिकता एवं जैव विकास सरल चैप्टर बोला है, इसका मतलब ये सरल है तो छोड़ना नहीं है, इसको तो पहले करना है। पूरे 4 अंक, और ये पूरा जीव विज्ञान जो सर बता रहे थे कितने अंकों का है सर? ये सर 23 मार्क्स का है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के बराबर इसका भी पलड़ा है, जीव विज्ञान का भी पलड़ा है। जो केमिस्ट्री है, जितना केमिस्ट्री को पढ़ना है उतना ही इस बायोलॉजी को भी पढ़ना है, दोस्तों छोड़ना नहीं है एक भी अंक। सर अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, बेसिकली जब हम फिजिक्स की बात करते ना, फिजिक्स जब मैं पढ़ता था ना सर, तो मुझे बहुत हार्ड लगती थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि हम फिजिक्स में पढ़ना एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, क्या काम है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं सर हम? फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो सर जैसा कि आप यहाँ पर मेरे स्टूडियो में आए हैं, घर से निकले हैं बिल्कुल, और ये उत्कर्ष की मस्ती भरी पाठशाला तक आप पहुंचे, तो आपने वाहन का उपयोग किया होगा, वाहन का उपयोग किया होगा तो आपने पीछे आने वाली गाड़ी को देखा होगा साइड मिरर में। तो साइड मिरर का कॉन्सेप्ट जो है, बारिश का बढ़िया मौसम कभी कभी होता है, इंद्रधनुष को भी आप देखते हो, बिल्कुल देखते, कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना होता है, डेंटिस्ट के पास जाना होता है, दांतों में दर्द होने लग गया, क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही खा पी लिया। तो ऐसे समय में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो इसी भौतिकी पर आधारित है, दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाएं जिनको हम रेगुलर अपनी दिनचर्याओं में देखते हैं, उन्हीं घटनाओं को हम यहां पढ़ने वाले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, चाहे आप मिरर की बात कर लो, या ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अगर इसका हम अतः सागर अगर कहें तो वो है दोस्तों फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स सर जैसे कहते हैं हार्ड लगता है, पर हार्ड है नहीं। क्यों नहीं है सर, बताएं क्यों नहीं है ये हार्ड फिजिक्स? फिजिक्स इस वजह से हार्ड नहीं होती है सर कि जो बच्चा प्रैक्टिस करता है ना, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना ज्यादा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो वही वाली बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। और फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है ना सर, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो जो भी आपने कॉन्सेप्ट बोला था ना कि सर वो मिरर में मैं देखता हूँ और वो मुझे चीज एकदम से सही दिखाई देती है, और हम देख के साइड मिरर में देख के गाड़ी चला लेते हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट सर इसमें आने वाला है। और वेटेज सर इसका कितना है? पूरे पूरे 7 अंक भाई साहब, ये तो पूरे 7 अंक है, छोड़ने नहीं है आपको ये 7 अंक, बहुत ज्यादा होता है। देखो बेटे सबसे ज्यादा एक तो जीव विज्ञान में देखा था मैंने 7 अंक, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, और दूसरा यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन, जैसा कि सर ने आपको बताया कि किस प्रकार हम यहाँ पर भौतिकी के अंदर गणितीय प्रश्नों को करने वाले, तो यहाँ पर चाहिए होती है प्रैक्टिस अभ्यास, क्योंकि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। अब देखिए सर अगला चैप्टर हमारे पास में 11th नंबर का जो चैप्टर आ रहा है सर, वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और
रंग बिरंगा संसार सर। अब ये रंग बिरंगा सर वर्ड दे रखा है, क्या लगता है सर आपको, क्या लगता है रंग बिरंगा वर्ड क्यों दे रहा है? ये रंग बिरंगा का मतलब है यहां पर हमें दुनिया जो है वो सर रंगीन दिखाई देती है। जैसे मैं कई बार बाहर निकलता हूं शाम के समय ठंडी हवा खाता हूं तो मुझे आसमान तो जो है वो नीला दिखाई देता है, बिल्कुल नीला दिखाई देता है। उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए, घूमने का बड़ा शौक है तो मैं चला जाता हूं समुद्र के किनारे, उसका पानी भी मुझे कई बार नीला दिखाई देता है, अलग ही एक कलर दिखाई देता है सर। वो सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय जो सूर्य के आसपास आसमान का रंग लाल होता है, कहीं वो तो इस चैप्टर में नहीं आएगा? बिल्कुल वो भी आने वाला है वहां पर। ये लाल क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, वो रेड रेड कलर और वो किरणें कैसी, क्या सूर्य की किरणें रेड होती है क्या जो रेड दिखाई दे रही है, वो सब इसी में आने वाला है। ये रंग बिरंगी दुनिया, वैसे ही दुनिया बड़ी रंगीन है, ये गोल है और यहाँ पर इसी रंगीन मिजाज को आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। सर इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का वेटेज है, तो इसका मतलब सर इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे? बिल्कुल, कुछ चुनिंदा प्रश्न ही पूछे जाएंगे। छोटा अध्याय है पर बहुत मजेदार है। अरे मानव नेत्र, नाम से ही पता चल गया, ह्यूमन आई, आई को पढ़ना है। ये जो चश्मा लगाते हैं ना उसका कॉन्सेप्ट भी देखना, ये सर के भी लगा रखा है। हाँ? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चश्मा क्यों लगाया सर वैसे आपने? सर आपको भी पता है कि अब हमारी भी एज बढ़ रही है सर, थोड़ा सा कम दिखाई देने लगा है, तो कम दिखाई देने लगा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या आया, डिजीज होती है तो उन डिजीज से, आई से रिलेटेड नेत्र से संबंधित जो रोग हैं उसके क्या निवारण हो सकते हैं, उसके क्या करेक्शन हो सकते हैं, ये सब चीजें, ये तो सरप्राइज रखूंगा सर मैं अभी इनको, बच्चों को पहले ही बता दूंगा कि मेरे ये चश्मा कौन सी नजर का है, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं चैप्टर को, अभी अपन इसको सरप्राइज रखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कह रहे हैं ये चश्मा क्यों लगता है, क्यों जरूरी है और ये कौन सा दोष है, इसका निवारण क्या हो सकता है। याद रखिएगा आपका चश्मा लगा तो नहीं है, नहीं लगा तो लगने की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है वो सब जानने वाले हैं इसी रंग बिरंगी दुनिया के अंदर और ये पूरे 4 अंक का है। देखो अब बात करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा अध्याय, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहा जाता है विद्युत। अरे विद्युत हमारे घर में, जैसा कि आप अभी यह वीडियो जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर और मोबाइल आपके हाथ में है, बिल्कुल दोस्तों, तो ये मोबाइल जो है उसको बराबर एनर्जी डोज देना पड़ता है। तो क्या इसको आप ग्लूकोन डी देते हो या फिर इसको पानी पिलाते हो या इसको खाना देते हो, बिल्कुल इसको चार्ज करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल सर, मोबाइल तो आज के जमाने में आपको पता है चार्ज नहीं करेंगे तो बच्चे हमें उत्कर्ष ऐप पे भी नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उत्कर्ष ऐप की क्लास कहीं मिस नहीं हो जाए, ये उत्कर्ष का ऐप बड़े काम का है, छोड़ना नहीं है क्लास एक भी, क्योंकि यही क्लास जो है वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसका मतलब है जरूरत पड़ेगी मुझे इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की जरूरत पड़ेगी, विद्युत धारा की जरूरत पड़ेगी और ये सारा आप जानने वाले हैं इसी अध्याय में। ओहो सर, ये तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 7 अंकों का, 7 मार्क्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस अध्याय का। तो सर एक लाइव प्रोसेस हुआ आपने, एक हमारे पास में लाइट हुआ और एक हमारे पास में सर इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मतलब जैव प्रक्रम वाला, प्रकाश वाला और विद्युत वाला, ये तीनों चैप्टर मिला के 21 मार्क्स कवर कर रहे हैं सर, सिर्फ 3 चैप्टर। मैं तो आज ही इसको पढ़ लूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा और 21 अंक मेरे विद्यार्थी को दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 21 अंक छोड़ने नहीं है। ये जो लाइव प्रोसेस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल पढ़ना है ना, तो मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ने का मतलब होता है ये सामने बैठा मेरा हर एक विद्यार्थी पढ़ेगा इन अध्याय को और ये 21 अंक बूस्ट अप देने वाले हैं, क्योंकि जो ज्यादा हार्ड चैप्टर होता है, जो बड़े चैप्टर होते हैं, इनको हमें पहले पढ़ना चाहिए रणनीति के अंदर, इन्हें भी हमें हिस्सा बनाना चाहिए। जैसा कि कहा, युद्ध को फतह करने के लिए हमें स्ट्रेटजी, प्लानिंग बहुत जरूरी है और प्लानिंग का अंक भार एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है सर हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सर इसके लिए पता है एक चीज है, मोटर अपने घर में पानी चढ़ाते हैं सर हम, बिल्कुल पानी चढ़ाते हैं, पानी खत्म हो जाता है तो हम मोटर ऑन करते हैं सर, बिल्कुल पानी ऊपर चढ़ता है, बिल्कुल सर, कहीं ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट हो सकता है क्या सर? बिल्कुल, ये मुझे लगता है सर कि इसमें चुंबक नाम लिखा है। मैं क्या छोटा था बचपन में तो चुंबक के साथ बहुत खेलता था, बहुत खुश होता था, वो चुंबक का जादू देखता था, चुंबक आगे आगे दौड़ती थी, दो छोटे छोटे टुकड़े लेकर ऐसे दौड़ाता था उसको, बहुत खेलता था।
तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अब जाकर समझ में आ गया कि ये चुंबक के प्रभाव क्या है, और क्या आप भी जानने वाले हो उस खेलने वाले कॉन्सेप्ट को। और सर जो बात कर रहे हैं वो पानी की मोटर को ऑन कर दिया, मम्मी लगाती है डांट, जल्दी मोबाइल को रख और दौड़ बेटा, पानी आ रहा है ऊपर चढ़ाना है, जल्दी दौड़, और दौड़ कर स्विच ऑन करते और पानी ऊपर चढ़ जाता। बिल्कुल सर, वो मोटर भी हम यही पढ़ने वाले हैं इसी चुंबकीय प्रभाव के अंदर। तो दोस्तों तैयार रहना कि ये पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, और ये चुंबक का खेल जो आपने बचपन में खेला था वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये भी, अरे सर ये भी पूरे 7 अंकों का है, देखिए आप। 28 तो 4 चैप्टर ही कवर कर गए, मतलब अगर ये बच्चे मतलब इन 4 चैप्टर पे भी फोकस कर लेते हैं ना सर, तो इसका मतलब मार्क्स वेटेज के हिसाब से बेटा अगर ये 4 चैप्टर भी ढंग से कर लिए तो मतलब आपका बेड़ा पार है सर। लेकिन अपने तो लाने 100 हैं सर, हमारे तो 100 लाने हैं सर। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, हमें तो हमारे माँ का सपना पूरा करना है और 100 अंकों तक ही हमारी मंजिल जाकर रुकनी चाहिए, उससे पहले रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर 5th यूनिट की, और उसमें 3 अध्याय है 14, 15 और 16। सर इन पर आपका क्या कहना है, एक बार बता दीजिए हमारे शेर और शेरणियों को फटाफट। सर ये यूनिट जो है ना ये पूरी एनवायरमेंटल यूनिट है सर, मतलब प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, नेचर की हम बात करें ना सर, तो पूरा नेचर बेस्ड है। मतलब आज जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण को कम कैसे किया जाए। आज हम कोई रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे पवन चक्की, विंड मिल्स देखी होगी सर आपने, पवन चक्की होती है, विंड मिल्स आपने देखा होगा। अपन कभी एक बार पहाड़ी की तरफ गए थे तो वहां पे अपने देखा था मैदान में बड़े बड़े वो पंखे लगे हुए थे सर, वो घूमते, हवा चलती, पंखा घूमता है सर, वो देखा हुआ पवन चक्की सर आपने? बिल्कुल मैंने देखा था एक बार, हम दोनों गए थे बिल्कुल, और पहाड़ी पर देखा पंखे घूम रहे थे। अरे ये पंखे घूम रहे थे, पता नहीं सर मैं तो पास ही नहीं गया, पता चला मैं नहीं घूमने लग जाऊं कहीं, पंखा ही घूम रहा है अभी तक। तो ये पंखा क्यों घूम रहा है वो राज यही जानने वाले हैं इसी विंड एनर्जी के अंदर एनर्जी। और ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो बता दिया तो फिर चैप्टर पढ़ने का मजा क्या। और ये पूरे पूरे सर बता रहे 4 अंकों का है भाई, 4 अंकों का, छोड़ूंगा नहीं इन 4 अंकों को, क्योंकि हमें तो मंजिल 100 तक जाना है दोस्तों, रुकना नहीं है उससे पहले। सर 15वें चैप्टर ओवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, इस पर क्या ख्याल है आपका? सर हमारा पर्यावरण का मतलब हो गया सर कि जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, कि हमारे अराउंड, जैसे आपने देखा होगा कि अपने अराउंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं सर, ठीक है ना, उन जीवों की क्या किस हिसाब से वो भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब फूड कैसे लेते हैं, क्या चीजें हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर। और इस चैप्टर का वेटेज वैसे तो केवल 2 मार्क्स का है, लेकिन सर 2 मार्क्स भी काफी होते हैं मेरे हिसाब से, तो मार्क्स तो एक भी बहुत काफी होता है। जैसे ये वाला है लास्ट चैप्टर जो हमारा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन। यानी क्या होगा सर इस चैप्टर का, आपको क्या लगता है इसमें क्या पढ़ेंगे सर? इसमें मुझे लगता है प्राकृतिक संसाधन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में, जैसे जल के बारे में पढ़ सकते हैं, पेड़ पौधे से संबंधित कुछ घटनाओं की जानकारी हम यहाँ हासिल कर सकते हैं। और ये 1 अंक का है सर, सर 1 अंक का है, पढ़ू या ना पढ़ू? पढ़ना तो सर है सर, 99 भी आ गए, 1 अंक से रह गए तो सर 100 का अपना तो सपना टूट गया सर, तो 1 अंक भी जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, 1 अंक भी बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है 1 अंक, क्योंकि अगर 100 में से 99 आ गए तो फिर बहुत ज्यादा रोने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि 1 अंक से पूरे 100 बन रहे थे, तो ये तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। मैं तो पूरे 100 की तैयारी करने वाला हूँ सर, आप बताइए आप क्या कहना चाहोगे? सर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि सर ना, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना सर, तो वो देखते हैं यार ये 1 मार्क का है, 1 मार्क का एक काम करते हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, 1 नंबर से कई फर्क पड़ना है, बच्चे यूँ सोचते हैं कि सर 1 नंबर है छोड़ देते हैं बाकी पढ़ लेंगे। ऐसे पता क्या होता है सर, वो एक एक करके बहुत सारे अंक छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है मैंने सिर्फ 1 अंक छोड़ा है, मैंने सिर्फ 1 अंक छोड़ा है। आर एनवायरमेंट में गए, हमारे पर्यावरण में गए, उन्होंने कहा यार इतना टाइम नहीं है कौन पढ़ेगा इसको, तो इसके भी 2 मार्क्स छोड़ दिए। अब उनको नहीं पता चल रहा है, अंदर अंदर वो सोच नहीं रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, तो उससे क्या हुआ 1 और 2 टोटल कितने चले गए, 3 चले गए। ऐसे करते 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 हर चैप्टर में 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक खिसकते जाते हैं, फिर नंबर आते हैं सर 100 में से 70, 100 में से 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, फिर कहते हैं यार पढ़ाई तो पूरी की थी नंबर नहीं आए, तो नंबर इस वजह से नहीं आते। इसलिए एक एक अंक आप लोगों के लिए उपयोगी है,
ये पूरे सिलेबस में हम लोगों ने देखा है, ये पूरा टेबल हम लोगों ने आपको बताई है। डिटेल चैप्टर की क्या रहती है, चैप्टर के अंदर क्या क्या मटेरियल है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस में मैंने और संदीप तंवर सर ने आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से इस टेबल को हम लोगों को मतलब इस टेबल को, ये टेबल जो आपको हम लोगों ने बताई है, ये जो सारणी आप लोगों को बताई है, ये आप लोगों को ये बताया है कि आपको इस पूरे साल में पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए पता होगा मंजिल आपकी कब तय होती है, मंजिल तय, जैसे मान लीजिए आप कोई मंजिल पे जाना चाहते हैं तो रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना कि रास्ता ये है, इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते पे जाऊं, या चौराहे पे खड़े होकर यूं देखेंगे सर ये वाला रास्ता ज्यादा सही रहेगा क्या, या वो वाले रास्ते पे जाऊं, क्या सही रहता है सर? बिल्कुल, हमारा मंजिल तो एक ही होनी चाहिए दोस्तों। अगर दो मंजिलें चुन ली या तीन चुन ली और कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया तो भारी नुकसान हो सकता है। जैसा कि कहा, युद्ध को फतेह करने के लिए सबसे पहले होती है प्लानिंग, और आज तो आपने सीखी ली प्लानिंग। मैं और शुभम सर बता चुके हैं आपको कि कौन सा अध्याय कितने अंक का है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें उनमें रहेगी, मोटे मोटे तौर पे आपको सारी चीजें बता दी। पर साथियों, युद्ध में, युद्ध के इस मैदान को फतेह करने के लिए जंग में जाना तो आपको ही पड़ेगा, और इसी ज्ञान के अस्त्र और शस्त्रों के साथ। पर याद रखिए, ये जो सारथी बनकर काम करने वाला काम है वो हम उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं, तो यह उत्कर्ष आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे अंत में आप यहाँ पर? सर बिल्कुल यही चीज मैंने आपसे सीखी है और उत्कर्ष से सीखी है कि मेहनत करते जाना है, अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, जो ठान लिया है उसे पूरा करके बताना है सर। तो इसी के साथ में आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सके। जाते जाते बस संदीप सर से दो मोटिवेशन की लाइन हम सुनेंगे, ठीक है सर? बिल्कुल दोस्तों, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पे होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आपकी मंजिल जो है, अगर जुनून होगा, जोश होगा, तो समझ लेना कितना ही बड़ा तूफान क्यों नहीं आ जाए, पेपर कितना ही भारी क्यों नहीं आ जाए, समझ लेना वो पेपर भी आपके हौसलों से पस्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।